हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मैं हरिशंकर कुमार आप लोग को हरिशंकर यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए सीसी का रिजल्ट और उसका क्वालिफाई लिस्ट कब आएगा उसके बारे में बताने वाला हूं, और एसी का मेरिट लिस्ट कब आएगा आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले सभी दोस्तों को चिंतित हो रहा है कि सीसी का रिजल्ट में इतना विलम्ब क्यों हो रहा है, क्योंकि आप लोग जानते होंगे सीसी का पोस्ट भी आप लोगों को ज़्यादा है, और जानते होंगे अभी 29 पोस्ट का आप लोगों को मेरिट लिस्ट जारी किया है, उसका इंटरव्यू कॉल लेटर भी आप लोगों को जारी कर दिया है वेबसाइट पे। और एलएसबी में जितने 11 पोस्ट थे सभी पोस्टों का क्या कहते हैं आप लोग को मेरिट लिस्ट प्लस इंटरव्यू कॉल लेटर जारी कर दिया गया है। और साथ ही साथ आपको दिसंबर के पहला सप्ताह में 1 या 2 तारीख को सीसी का क्वालिफाई लिस्ट आप लोगों को रिजल्ट जल्द आ जाएगा, और मार्क शीट के लिए आप लोग मार्क भी डाउनलोड कर सकते हैं चेक करके। और आप लोग जानते होंगे 1 या 2 रोज तक में, आज आप लोग को 28 तारीख हो गया, 29 या 30 तक में आप लोगों को एसी का भी मेरिट लिस्ट आ जाएगा, क्योंकि आप लोग काफ़ी बेहतरीन और काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे हैं कि क्यों नहीं हो रहा है। तो मैं सबसे पहले सभी दोस्तों से यह कहना चाहता हूं कि उससे पहले अगर आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बगल देख रहे हैं बेल आइकन घंटा उसको भी दबा दें रेड कलर के, उससे बगल देख रहे हैं लाइक करते हैं तो लाइक भी कर दें। वीडियो अच्छा लगता तो ज़रूर अंत तक देखिएगा, काफ़ी बेहतरीन वीडियो है आप लोगों के लिए। तो कॉल लेटर को जैसे कि आप लोग प्रिंट आउट ले सकते हैं, उसका लिंक भी दिया गया है। इंटरव्यू लेटर मतलब उसी को कॉल लेटर कहा से आप लोग को प्रिंट लेटर जाना जरूरी है इंटरव्यू में लेकर, काफ़ी बेहतरीन समय है। जीविका में वर्क करते हैं तो उसका अगर आप लोग के पास एक्सपीरियंस कॉपी दोनों ले जाना है, फोटोस्टेट दोनों ले जाना है। साथ ही साथ मैं बता दूं काफ़ी पोस्ट है उसमें चिंतित कर रहा है, और देख रहे हैं आप लोग जिस तरह से कटअप मार्क वेबसाइट पे दिया जा रहा है और उसको हटाकर नए लिंक दे देता है, तो आप लोग जानते होंगे काफ़ी कठिनाई के सामना कर रहा है जितने भी स्टाफ है बीआरएलपीएस के हेड ऑफिस के, तो काफ़ी मकसद करना पड़ता है इसके लिए, उसको एकत्रित करना पड़ता है। और काफ़ी जानते होंगे आप लोग कि जीविका अब जीविका नहीं रहा, जीविका 2030 तक के लिए रजिस्टर हो गया है, और यह बिहार सरकार का डायरेक्ट परियोजना है बल्कि कोई कंपनी नहीं है, क्योंकि बिहार सरकार के द्वारा चलाया गया यह पहल में अब प्रधानमंत्री भी शामिल हो गया, केंद्र सरकार एवं और विश्व बैंक इसको सहयोग करता है जीविका को। तो आप लोग जानते होंगे कि हर विभाग से यह जीविका अभी हाईलाइट एरिया में चल रहा है। सीसी का पद भी आप लोग जानते होंगे काफ़ी है, उसके लिए उसको देख रेख करना पड़ता है, सारा उसको डॉक्यूमेंट को चेक कर रहा है फिर दोबारा, क्योंकि अभी आप लोग जानते होंगे जब मैं आप लोग फाइनल आंसर की आया था तो लगभग 15-20 रोज हो गया उस फाइनल आंसर की को, तो काफ़ी समय ले रहा है, काफ़ी विलम्ब हो रहा है, विलम्ब का चलते हैं इसको चेक करना। और जानते होंगे पूर्व में 2012 में और 2014 में जो वैकेंसी आई थी बिहार में, उसका जो वेट लिस्ट रखा गया था उस पर कुछ हाईकोर्ट में केस चल रहा है और कुछ दर्ज हो रहा है, कुछ नियमानुसार के अनुसार फिर उसको अभी तक ब्रेक किया जा रहा है, तो इसीलिए एसी और सीसी का अभी तक में नहीं दिया गया है, जल्द देने वाला है। कम से कम आप लोग को 2 या 3 रोज कम से कम मेरिट लिस्ट एसी का लग सकता है, और सीसी का रिजल्ट आने में आपको फर्स्ट वीक दिसंबर में 1 या 2 तारीख तक में आ जाएगा यह संभावना है। काफ़ी समय करना पड़ता है आप लोगों को, काफ़ी मेहनत करना पड़ता है आप लोगों को इसके लिए, आप लोगों को भी चिंतित है, हम भी उस चीज़ के लिए चिंतित है कि कब आ जाए, सभी दोस्तों का साथियों का सर दर्द खत्म हो जाएगा, इंतजार खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप लोग बेहतरीन समय देते हैं अपना। तो सभी दोस्तों का यह राय था कि सीसी का सर रिजल्ट कब आएगा, तो मैं सभी दोस्तों से यह कहना चाहता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को अधिक देखें, अधिक शेयर करें, अधिक लाइक करें, अगर कोई दिक्कत आवे तो आप लोग कमेंट जरूर करें, क्योंकि आप लोग को चिंतित हो रहा था कि सीसी का।
तो मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग काफ़ी बेहतरीन समय दिए, और इस बेहतरीन समय के लिए मैं आप लोगों से विदा चाहता हूं। अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार, जय जीविका। देखते रहे इस वीडियो को, शेयर करते रहे, लाइक करते रहे, चैनल को सब्सक्राइब करते रहे, देखते रहे, रेड कलर को सब्सक्राइब करके कॉमेंट करते रहे। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।